हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज, आप सुख भी। देखिए आज हम देखिए कल आपको हम ईवीएस के कंटेंट का जितना भी आपका सीटेट में पूछा जाता है एनसीईआरटी का जो 3 से 5 तक आपका निचोड़ है एनसीईआरटी का उसका वीडियो डाल दिया। आज जितना भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है समझे उसका हम आज लेकर आए हैं समझे। आपका 16 दिसंबर 2021 से आपका ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था उसका है, आपका 21 जनवरी 2022 तक का क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे समझ। जितना कंटेंट का क्वेश्चन पूछता है उतना का समझ गए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 16 दिसंबर से स्टार्ट करते हैं। 16 दिसंबर का पहला क्वेश्चन आपका है कि कुरुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। देखिए कुरुक जो है वो आपका झारखंड में जो है आदिवासी लोग का, तो वहाँ का जैसे हम लोग भोजपुरी यहाँ बिहार में होते वैसे ही जो झारखंड के लोगों का क्या है वहाँ के बोलचाल की भाषा है समझ गए। झारखंड में एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर तोरंग का अर्थ होता है समझे जंगल होता है समझ गए। एक चीज़ याद रखिएगा, झारखंड में तोरंग का अर्थ क्या होता है जंगल होता है समझ गए। मिजोरम में तो आपको पता है कि चिराव नाच होता है, साझी खेती होता है, साझी यानी लॉटरी खेती, उसमें किसी का मतलब जो मिजोरम में जो है वहाँ पर कोई भी आदमी का क्या होता है कि भूमि नहीं होता है जंगल होता है, वो क्या होता है साझी होता है। साझी मतलब सभी व्यक्तियों का होता है, कोई विशेष एक व्यक्ति का नहीं होता है। असम में आपका बिहू डांस होता है समझ गए। तो ये सब आप क्या कर सकते हैं कि याद रख सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश और आपका असम, इससे आपका ब्रह्मपुत्र नदी इसी से क्रॉस करके आपका मतलब करते हैं, पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश और आपका असम से ब्रह्मपुत्र नदी क्रॉस करता है समझ गए। तो ये चीज़ याद रख सकते हैं। तो वही 61 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 4 नंबर हो जाएगा कि कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो झारखंड के लोगों की भाषा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका हर शिफ्ट में रहेगा समझ गए। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए इसके लिए आपको एक दिमाग पहले एक लगाना क्या होगा कि आपको 4 दिशा का पहले ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए माथा जो होता है हम लोग का जो सर है उसको हम लोग उत्तर बोलते हैं यानी नॉर्थ बोलते हैं। पैर जो हम लोग का है उसका साउथ है, याद हमेशा रखिएगा। नहीं भूलेगा कि ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या, तो हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो कहाँ बढ़ रहे हैं साउथ की तरफ। जो हमारा दाहिना होता है समझे दायां भाग होता है वो होता है हमारा ईस्ट होता है समझ गए। और बायां जो हमारा है वो क्या है वेस्ट है, यानी ये पूरब हो गया और ये क्या हो गया पश्चिम हो गया। ये याद रखिएगा कि हमारा दायां हाथ होता है क्या होता है ईस्ट होता है, और बायां हाथ हमारा क्या होता है वेस्ट होता है। सर जो है हमारा नॉर्थ होता है और पैर हमारा क्या होता है साउथ होता है। इतना याद रखिएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं। तो उत्तर यानी ऊपर की तरफ जाइएगा, 100 मीटर उत्तर के गए समझे। फिर उसके बाद ठीक पश्चिम, तो पश्चिम इधर ना होगा आपको बताया ना, पश्चिम इस साइड हो गया कितना गए 75 गए। फिर कह रहा है कि 75 लंबा सुरंग पार करते हैं, अंत में आप फिर 100 मीटर कहाँ चलते हैं ठीक दक्षिण, तो दक्षिण आपका क्या होता है नीचा होता है, और पहुँच गए कहाँ वाई पर पहुँच गए और विद्यालय पहुँच गए। वाई आपका विद्यालय है और एक आपका घर है। तो कह रहा है कि वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यानी विद्यालय के सापेक्ष आपके घर पूछा जा रहा था। विद्यालय एक से यहाँ से शुरू किए थे तो बताइए विद्यालय के जो सापेक्ष है एक्स कहाँ पर है, तो आपका देखिए 75 है तो ये भी दूरी आपका समान ना होगा 75, यानी 75 मीटर आप पूरब में है, पूरब इधर ना होता है आपका दाहिना साइड में पूरब होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 75 मीटर क्या हो जाएगा पूरब, यानी 3 नंबर। देखिए जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना कुछ आपको नहीं करा, जो चीज़ कहे क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आपको घूम जाना है समझ गए। यहाँ कह रहा था कि आप घर से स्टार्ट करते हैं तो ठीक क्या गए सॉरी, अतः आप पहले ठीक उत्तर 100 मीटर उत्तर ऊपर होगा समझे। उसके बाद कह रहा है पश्चिम, तो पश्चिम इस साइड में होगा 75 गए। फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर दक्षिण गए 100 आए, तो पूछ रहा है कि ई वाई पहुंच गए यहाँ पर एक्स है, तो पूछ रहा है कि वाई के सापेक्ष एक्स कहाँ है, यही पूछता है कि एक्स के सापेक्ष वाई कहाँ है, तो आपका 75 मीटर पश्चिम हो जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है वाई के सापेक्ष विद्यालय के सापेक्ष पूछ रहा है आपका घर कहाँ है, तो 75 मीटर क्या है आपका पूरब में है समझ गए। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा समझ गए, ये सब बन जाएगा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से, देखिए ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी मिले ना तो एक चीज़ याद रखिएगा समझ गए। देखिए मान लीजिए हम एम में हैं समझ गए, और अगला दिन या जब भी हम अगला एम में जाएंगे समझे, एम में फिर चल गए तो हम 24 घंटा तय कर लेते हैं, याद रखिएगा। नहीं 4 AM मान लीजिए 4 AM हो रहा है इधर, हम 4 AM में अगला जब 4 AM में आएंगे तो 24 घंटा तय कर लेंगे, या AM रहे या PM रहे याद रखिए सेम जब रहेगा ना तो हम 24 घंटा तय करते हैं समझ गए। यानी 24 घंटा में एक दिन आपका हो जाता है, पूछेगा एक दिन में कितना घंटा, तो 24 घंटा समझ गए।
तो मान लीजिए अभी मान लीजिए आपका, अभी मान लीजिए आपका क्या बज रहा है, अभी आपका बज रहा है 6:36 हो रहा है, अभी पीएम है आपका, तो हम मान लीजिए 6:36 PM लिख लिए तो हम 24 घंटा तय के लिए यानी अगला दिन चल गए, समझ गए। यानी अगला दिन का क्या हो रहा है कि मान लीजिए आज हमारा 19 तारीख है, तो कल का आपका 20 तारीख को 6:30 24 घंटा में तय करेंगे, समझ गए। ऐसा क्वेश्चन में आपको दिमाग में ही चीज़ बनाना होगा, उसके बाद हम ट्रिक बता देंगे, आप जल्दी बना लिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग पीएम से पीएम में जाते हैं तो 24 घंटा, एएम से एएम में जाएंगे तब भी 24 घंटा, लेकिन पीएम से हम एएम में गए, जैसे अभी मान लीजिए पीएम हो रहा है, सेम टाइम का बात कर रहे हैं, पीएम से हम एएम में गए तो 12 घंटा, जैसे मान लीजिए अभी 6 बज रहा है तो सुबह के 6 बजे मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पीएम है और यहाँ एएम होगा, तो पूछेगा क्या कितना घंटा चले, तो 12 घंटा चले, समझ गए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, या एएम से पीएम में जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, चाल बराबर दूरी उसी पर निकल जाएगा, नागरकोइल से 5 जून को, कब निकला, 5 जून को, 5 जून 2020 को प्रातः, प्रातः देखिए जहाँ भी आपको टाइम दिया रहेगा ना, देखिए ट्रेन आपका पता है कि जब 1 बजता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें 13 बजेगा, समझे, 1 नहीं बजेगा, समझे, तो 13, 14, 15 इसे लिखेगा, समझे, तो उसको भी हम बताएंगे कैसे आपको करना है। जैसे 15 लिख दिया था कुछ नहीं, जितना 12 से अधिक जाएगा ना तो उतना 12 घटा लीजिएगा, तो इसको, लेकिन ये जो टाइम आएगा किसमें आएगा आपको, पीएम में आएगा, 3 PM हो जाएगा, ऐसे लिखा रहेगा तो इसको एएम मानेंगे, समझ गए। तो देखिए कह रहा है कि 5 तारीख को कहाँ से आया, 5 तारीख 5 जून 2020 को 4:15 से स्टार्ट किया, समझे, और 7 जून तक, 5 से देखिए हम 6 तारीख को चलेंगे, 4:15 ये सब एएम में दिया हुआ, किसमें दिया, एएम में, तो हम कितना तय कर लिए, 24 घंटा, समझ गए। फिर हम क्या करेंगे कि 7 तारीख को चलेंगे, 7 तारीख यानी 24 घंटा चलेंगे, 24 घंटा चलेंगे तो 7 तारीख को हम 4:15 तक पहुंच जाएंगे शाम में, लेकिन यहाँ बोल रहा है शाम बोले सुबह में बोल रहा है कि वो होगा कि 3:15 तक। अच्छा एक चीज़ बताइए, 7 तारीख तो हम 4:15 तक पहुँचे थे, समझ गए, और हमको पहुँचना है 3:15, तो देखिए 24 घंटा तय किए थे पहले 5 से 6, और फिर 6 से 7 में हम 24 घंटे यहाँ, 24 घंटा यहाँ, तब पहुँच रहे थे हम कहाँ, तो 4:15, तो यहाँ पर पहुँचना 3:15, तो 1 घंटा घटा देंगे तो आपका 3:15 नहीं हो जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ से 48 घंटा, हम 47 घंटा में क्या हो जाएंगे कि हम 3:15 में पहुँच जाएंगे, समझ गए। यानी 3:15 हम कितना घंटा में पहुँच जाएंगे, 47 घंटा में पहुँच जाएंगे। तो अब निकाल लीजिए चाल, जब आपका चाल पूछ रहा है तो दूरी बटा समय होता है, तो 26/40/47 को कटाइएगा तो आपका 56 लगभग में, कि लगभग पूछ रहा है तो 56 पॉइंट पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। ऐसा क्वेश्चन को आपको ऐसा ही बनाना है, समझे, कि जैसे दिन दे दे वैसे कर दीजिएगा, कि 5 से 6 6 मान ली 5 तारीख से स्टार्ट, 6 तारीख में सेम टाइम में जाएंगे 24 घंटा, समझ गए, ऐसे आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची आरंभ करने की सबसे, देखिए आपको बताया था लीची आरंभ करने का सबसे अच्छा दिन होता है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है, समझ गए। मधुमक्खी पालन में याद रखिएगा कि आपका लीची का पेड़ सबसे अच्छा हो जाता है, और इसमें 3 प्रकार की मक्खी पाई जाती है, रानी मक्खी जो अकेले होती है एक छत्ता में, नर मक्खी कुछ संख्या में होता है लेकिन उसमें नर मक्खी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और सबसे ज़्यादा होता है तो श्रमिक मक्खी जिसे कार्यकर्ता मक्खी कहते हैं, जो आपको ये भी एक तरह का मादा ही है, समझ गए, और ये क्या होती है बाज होती है, अंडा नहीं देती है, समझ गए, और ये आपका छत्ते का मरम्मत वगैरह सब करती है, समझ गए, तो याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वेलको का उपयोग बहुत सी चीज़ों के एक दूसरे को साथ चिपकाने के लिए किया था, इसका जो आविष्कार किए थे वो कौन किए थे आपको, जॉर्ज मिस्ट्रॉल किए थे, समझ गए, ग्रेगर मेंडल अनुवांशिक के पिता है, जो मटर के प्रयोग मटर पर प्रयोग किए थे, समझे, भिन्न भिन्न प्रकार के गुण बताए थे, 2 गुण लिए थे विपरीत, एक लंबा होगा तो बौना होगा, ऐसा बताए हुए थे, और 28,000 पौधे पर 7 साल तक प्रयोग किए थे। रोलांड रोसो मलेरिया के बताए थे कि मलेरिया कैसे होता है, इसके बारे में जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, समझ गए, तो ये आप कर सकते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 65 का क्या हो जाएगा आपका, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश, देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कितना केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है, समझ गए। अब देखिए 8 कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है, देखिए याद रखिएगा, 2 गो भी बना है, कौन कौन, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, समझ गए, कौन बना है नीचे हम लिखे हुए हैं, देखिए कौन कौन है आपका, तो देखिए दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन द्वीप दोनों देखिए पहले सात को था तो दो को आपका बना लद्दाख और कौन लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो नौ हो गया। लेकिन फिर उसके बाद दादरा एवं नागर हवेली और दमन द्वीप दोनों को क्या किया मर्ज कर दिया गया, दोनों को विलय कर दिया गया था, दोनों अब एक हो गया। तो दादरा एवं नागर हवेली और दमन द्वीप दोनों क्या हो गया एक हो गया, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर समझ गए। तो ये आप याद रख सकते हैं कौन कौन, दिल्ली चंडीगढ़, दो हो गया पुडुचेरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नागर हवेली, दमनद्वीप, लक्षद्वीप और लद्दाख समझ गए। तो ये आपका क्या हो आठ को आपका राज्य हो गया समझ गए, आठ को केंद्र शासित प्रदेश या इसी को हम संघ शासित प्रदेश भी कहते हैं। तो करा निम्नलिखित में कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश है तो आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। याद रखिएगा आठ केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है समझ गए। अगला है कि हमारे देश के लिए नीचे देखे राज्य में किसमें एल्युमिनियम की खान है, यानी कह रहा है कि किसमें एल्युमिनियम की खान है। तो देखिए आपका उड़ीसा जो है एल्युमिनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है समझ गए। आगे क्वेश्चन है आपका कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है तो छह बिंदुओं पर आधारित होती है समझ गए। लुई बेल्स इसको खोज किया था जब दृष्टिबाधित बच्चों के लिए काम में आता है समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि प्याज की फसल आने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और विकल्प चुनिए जिनसे इन चरणों को सही क्रम में। देखिए प्याज को रोपने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं तो मृदा यानी मिट्टी को खोदकर क्या करते हैं नरम बना, इसी को गुराई भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं गुराई भी बोलते हैं याद रखिएगा समझ गए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद क्या करते हैं खरपतवार हटवाते हैं, उसके बाद प्याज को उखाड़ के लगाते हैं, तब क्या करते हैं प्याज की लास्ट में ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर फिर मार्केट में उसको बेच देते हैं। यानी सबसे पहले आपका क्या नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ए के बाद आपका क्या हो जाएगा तो सी नंबर हो जाएगा, ए के बाद देखिए सी किस में ऑप्शन ये दोनों तो कट गया ए सी हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं खरपतवार हटाते हैं यानी आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं प्याज को उखाड़ कर निकालते हैं यानी ई नंबर हो गया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 69 का एक नंबर हो जाएगा समझ गए। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं एक नंबर आंसर हो जाएगा समझ गए। लास्ट में हम वो प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाते हैं समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, यह क्षेत्र ऊँचा सूखा और समतल है, यह क्षेत्र स्थित है तो कहाँ पर स्थित है तो आपका लेह लद्दाख में क्या है स्थित है समझ गए। ऐसे आप याद रख सकते हैं तो इस तो हमारा ठंडा प्रदेश है लेकिन ये रेगिस्तान नहीं है समझे, आपका लेह लद्दाख रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिसके भीतर बीज होते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन में, खीरा में बीज होता है, चिक्की में होता है, भिंडी में होता है, प्याज में बीज नहीं होता इसलिए कट गया समझ गए। करेला में बीज होता है, खीरा में, चिक्कू में, भिंडी में, आलू अपने बीज है तो ये ना होगा, टमाटर में बीज होता है तो दूसरा भी ऑप्शन कट गया, आलू में नहीं होता, करेला, खीरा, चिक्कू, भिंडी, नाशपाती और आपका टमाटर, यही आपका सी नंबर 71 का आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर हो जाएगा, इसमें आपका आलू में नहीं होता है, चार नंबर इसलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका तो तीन नंबर हो जाएगा 71 का समझ गए। 72 कह रहा है कि स्लॉट के बारे में तो आप जानते ही तो पढ़े ही होंगे समझे, पढ़ाए भी थे कल तो इसका आंसर स्लॉट हो जाएगा समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका कि कॉलम एक में दिए गए स्थान कॉलम दो के साथ गाँव को मिलान कीजिए समझ गए। तो आपको पता है आसाम में बांस के घर बनाया जाता है समझ गए, और देखिए बांस वाला घर कहाँ है तो एक का तीन हो जाएगा। लद्दाख में समतल घर बनता है तो देखिए समतल घर आपका कहाँ है पत्थर से बना घर, लकड़ी और लकड़ी के चपटी छत रहती है, चपटा छत रहता है यानी समतल, तो दो का दो हो गया। मनाली में पत्थर के लकड़ी ढालू वाले छत घर होते हैं, और राजस्थान में क्या होते हैं आपके तो मिट्टी कंटीले, और बर्फ के घर इग्लू कहाँ बनते हैं तो ठंडे क्षेत्र में ध्रुवीय क्षेत्र में बनते हैं, तो उसका तो कोई हला ही नहीं है समझ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका एक का तीन, देखिए किस में एक का तीन, उसके बाद है दो का दो, सी का एक यानी आपका तीन नंबर आंसर हो जाएगा किसका तो इसका 73 का क्या नंबर आंसर हो जाएगा तो सी यानी तीन नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका समझ गए, आपका ए आंसर हो गया समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पृथ्वी ग्लोब के बाद एक गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है, हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा, क्या हो जाएगा अर्जेंटीना के सापेक्ष मतलब हम लोग के सापेक्ष अर्जेंटीना क्या है उल्टा है समझ गए। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर कि अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या करेगा तो क्या करेगा उसके अतः किसी भी फसल के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा, यानी बार बार आप पीड़कनाशी और उर्वरक का प्रयोग कीजिएगा ना तो वो मिट्टी बंजर हो जाता है, केवल धान के फसल नहीं होगा अन्य फसल नहीं होगा, जुताई बुआई उपयुक्त नहीं आपका क्या हो जाएगा किसी फसल के उपयुक्त वो नहीं होगा समझ गए।
अब आते हैं हम लोग 20 दिसंबर के क्वेश्चन में। अब किसके तारीख क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, तो 16 के बाद 20 तारीख का एग्जाम हुआ था, 20 दिसंबर के क्वेश्चन में आते हैं, समझ गया। पहला क्वेश्चन है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में किस विधि से वायु, देखिए वायु प्रदूषण जब जलाइएगा तब ना वायु प्रदूषण होगा, तो भस्म करना यानी जलाना होता है, इससे वायु प्रदूषण। कंपोस्ट कीजिएगा नहीं होगा, कृमि से खाद भराई इससे नहीं होगा, आग लगाने के बाद ही आपका वायु प्रदूषण होगा, समझ गए। यानी आपका 4 नंबर इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में से क्या कारण होगा। देखिए जब बाढ़ से बहुत समय से प्रभावित होगा तो वहाँ के जो लोग होंगे क्या हो जाएंगे, हस्तांतरित, यानी दूसरे जगह चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हस्तांतरित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके, हस्तांतरित। पुनर्वास मतलब होता है पुनः उसी जगह पर आ जाना, तो ये पुनर्वास तो है नहीं। और पुनः स्थापन मतलब उसी जगह स्थापन कर दिया गया, ये भी होगा नहीं। देश प्रत्यापन मतलब होता है देश छोड़ के भाग जाना, तो देश छोड़ के भाग कहाँ जाएंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा, नहीं वहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो गए। अगला क्वेश्चन है कि टोपियोको का दूसरा नाम, तो इसे कप्पा कहते हैं, टोपियोको का दूसरा नाम क्या है, कप्पा है, समझ के याद रखिएगा। अगला है हांगकांग में निम्नलिखित कौन से भोजन लोकप्रिय है, तो वहाँ लिंगहू फेन जो सांप के मीट होता है, समझ गए, सांप के मांस होता है। अगला है आपका किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और काम में आता है, तो देखिए जो हुक जैसा चोंच होगा ना, ये हुक जैसा होगा तब ना फाड़ेगा वो, समझ गए, इसीलिए इसका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है, शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार, तो जल्दी कौन आपका बन जाएगा, तो आपका भेलपूरी बन जाएगा, क्योंकि इस अब देखिए अंडे का सैंड भी आग जलाना होगा, कस्टर्ड ये सब बना, डोसा बनाने, भेलपूरी आराम से मसाला मारेगा हो जाएगा, इसलिए 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है पटचित्र, देखिए आपको याद होना चाहिए पटचित्र तो होता है आपका कहाँ का है, तो उड़ीसा का है, समझ गए, कहाँ का, उड़ीसा का है, समझ गए, तो याद रखिएगा पटचित्र कहाँ बनता है, तो आपका उड़ीसा में, पंजाब में आपका फुलकारी बनता है और महाराष्ट्र में आपका बर्ली बनता है। महाराष्ट्र में क्या बनता है, बर्ली जो गाय के गोबर और मिट्टी से बनता है, कथी बर्ली जो गाय और के गोबर और मिट्टी से बनता है, और आपका फुलकारी बनता है पंजाब में, जैसे आपका चित्र हुआ, और आपका बिहार में जैसे बनता है ना आपका मधुबनी पेंटिंग, वैसे आपका उड़ीसा में क्या है, पटचित्र प्रसिद्ध है, समझ गए। अब आते हैं कि महामारी के दौरान चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया, उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी, देखिए आपको पता होना चाहिए कि सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑप्शन होगा नहीं, विटामिन सी आपका खट्टा पदार्थ वगैरह में पाया जाता है, समझ गए, आपका सोयाबीन यहाँ भी दिया है, दूध में नहीं पाया जाता, तो ब्रोकली स्ट्रॉबेरी और नींबू, यानी जितना भी खट्टा पदार्थ होता है ना तो उसमें ब्रोकली आपका गोभी जैसा ही हरा होता है, स्ट्रॉबेरी में भी विटामिन सी होता है और नींबू में तो जितना खट्टा पदार्थ उसमें होता ही है, समझ गए, तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में झूम खेती की पड़ता है, तो आपका मिजोरम राज्य है, वहीं पर झूम खेती होती है, समझ गए, एक तरह का हस्तांतरित खेती होती है, छोड़ छोड़ के हम करते हैं। अगला है कि दक्षिणी भारत में मनाया जाने वाला फसल काटने का पर्व कौन है, देखिए दक्षिण भारत यानी आपका केरला हो गया, तमिलनाडु वगैरह हो गया, ये सब में, तो देखिए आपका बिहू जो होता है आसाम में, पूर्वोत्तर राज्य है, तो आंसर तो होगा नहीं, ऐसे ऑप्शन आप काट सकते, बिहू भी आपका क्या है, तो आपका ए होगा नहीं, अब बिहू यहाँ भी दिया है, आपका क्या हो गया आंसर आपका 3 नंबर, लेकिन बताते हैं कौन कहाँ होता है, ओणम आपका केरल में होता है, पोंगल तमिलनाडु में होता है, उगादि कर्नाटक में होता है, विशु भी कहाँ होता है आपका केरल में होता है, समझ गए, तो ये सब आपका दक्षिण भारत का राज्य है, समझ गए। बिहू आपका होता है आसाम में, और लोहड़ी जो होता है ये जनवरी में मनाया जाता है, ये आपका पंजाब में मनाया जाता है, समझ गए, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पंजाब में लोहड़ी हो गया और बिहू जो होता है आपका आसाम में मनाया जाता है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट जो आपको बताया है, वर्ली जो आर्ट होता है कहाँ बनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में बनाया जाता है, ये किससे बनता है, तो ये बनता है आपका किससे, तो गाय के गोबर और मिट्टी से बनता है, गाय के गोबर और मिट्टी से, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्यों के समूह कर्क, देखिए कर्क रेखा आपका 8 राज्य से गुजरता है, बता देते कौन कौन, तो हम पश्चिम से पूर्व बताते हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा इतना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, समझ गए। अब आते हैं किससे नहीं गुजरेगा, ताइए उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है, समझ गए, आपका गुजरात से छत्तीसगढ़ तो ये हो जाएगा आंसर, उत्तर प्रदेश इसमें दे दिया है, इसमें आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से तो नहीं गुजरता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से भी तो नहीं गुजरता है, तो आंसर आपका 2 नंबर, 72 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि देखिए ई वाला जो क्वेश्चन है इसका हम वीडियो डाल दिए हैं, मैप वाला कि कौन कहाँ पर स्थित है, समझे, तो आपका इसका वीडियो हम बना दिए, आप लोग जाइएगा प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा EVS मैप,
समझ गए, आनंद राज लिखिएगा तो वो आपका आ जाएगा समझे। उसमें पूरा क्वेश्चन है, इसका डिस्कस किए हैं, मैप पर बताए हैं, तो जल्दी समझ जाइएगा समझ गए। अगला क्वेश्चन है तो इस समझे ऐसे, इसका आंसर जो 73 का हो जाएगा वो आपका 3 नंबर हो जाएगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में। यानी देखिए कह रहे, देखिए आपको बताते हैं कैसे आपको जाना होगा। देखिए मैप आप दिमाग में क्रिएट कीजिएगा, हम तो किए हुए हैं। जैसे मध्य जो भोपाल का है मध्य प्रदेश यानी बीच सेंटर में है, और गंगटोक आपका सिक्किम यहाँ है समझ गए, और उसके बाद आपका पुडुचेरी यहाँ पर है समझ गए, यानी बंगाल की खाड़ी में आपका पुडुचेरी है। तो देखिए आपको यहाँ से जाना है तो पहले ऐसे जाइएगा, पहले उत्तर जाइएगा ना, तब ना आप पूरब जाइएगा समझ गए। तो पहले कह रहा है गंगटोक जाना है, तो गंगटोक तो उत्तर पूरब हो गया, फिर यहाँ से नीचा दक्षिण आइएगा, अब फिर यहाँ ऐसे आइएगा तो दक्षिण पश्चिम आंसर हो जाएगा समझ गए। तो आपको कुछ लोकेट करना होगा, लोकेट जैसे मान लीजिए यहीं से कहता हमको जाना है दिल्ली, तो दिल्ली जाना है तो पहले ऐसे जाता फिर ऐसे जाता, क्योंकि इस साइड में दिल्ली है आपका। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपका आंसर छोटी कलंजरक हो जाएगा समझे, यही आपका। अगला है 75 नंबर कि रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई, उसके मित्रों ने उसे वहाँ की इटालियन चीज पनीर लाने के लिए कहा, कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने भारत लाने में उत्तम। तो देखिए इसके लिए सबसे निर्वात पैकिंग होगा, उसमें हवा नहीं रहेगा तो क्या होगा कि वो ख़राब नहीं होगा, यही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है समझ गए। 75 का 4 नंबर हो जाएगा। अगला आते हैं हम लोग 21 तारीख के क्वेश्चन में, 21 तारीख में हम लोग आते हैं, तो चलिए हम लोग आएंगे 21 तारीख में। पहला क्वेश्चन है, इधर हल्का क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए, जो नीचे दी गई सूची की झील, झरना, तालाब, पहाड़ी और नदी। तो देखिए झील में पानी रहता है, झरना में पानी रहता है, तालाब में रहता है, नदी में रहता है, लेकिन सॉरी तालाब में पानी रहेगा, नदी में, झरना में, लेकिन पहाड़ी में पानी नहीं रहता है, तो यही आपका क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहाड़ी हो जाएगा समझ गए। तो हल्का क्वेश्चन है आपका, आंसर क्या हो जाएगा सॉरी पहाड़ी यानी 61 का 4 नंबर हो जाएगा समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, देखिए लिखा हुआ है 62 नंबर में कि गुजरात में लोग दाल में, एकदम सही बात है, दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टोपियो के खाते हैं, भी सही है, कश्मीर में आपका नारियल के तेल में नहीं सरसों के तेल में बना मछली खाया जाता है, गोवा के लोग देखिए उल्टा दे दिया है समझे, तो आपका केरल के लोग जो हो सॉरी केरल बोल रहे हैं, केरल में टोपियो के खाया जाता है ही, आपका गोवा के लोग ये उल्टा दे दिया, गोवा के लोग नारियल के तेल में मछली खाते हैं और कश्मीरी के लोग सरसों के तेल में समझ गए, तो इसीलिए गलती हो गया सी डी, आंसर ए और बी हो जाएगा यानी 1 नंबर। 62 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा समझ गए। अगला है, नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव की भांति उसके सामने होती है, आपको बताए थे, तो ये आपका उल्लू हो जाएगा जिसका आंख मानव की तरह सामने होता है, बाद बाकी जितना भी पक्षी देखिएगा उसका साइड में रहता है समझ गए, तो इसका आंसर उल्लू हो जाएगा। उल्लू जो होता है वो अपने गर्दन को पूरा घुमा सकता है समझ गए, समझे। डार्जिन लिखा हुआ, डार्जिन जो चिड़िया होता है वो घोंसला अपने मतलब घोंसला को मतलब पत्ती को सीकर उसमें अंडा देता है समझ गए, सीकर। और बीवर पक्षी होता है तो नर बीवर पक्षी बहुत सारा घोंसला बनाएगा और नर बीवर पक्षी उसमें से चूज करेगा जो उसी में अंडा देगा। कलचिड़ी जो होता है ये आपका घोंसला बनाता है पत्थर के खुरथी में समझ गए। आते हैं हम लोग आगे कि स्थानों के साथ उन क्षेत्रों में गाँव के घरों पर, तो देखिए असम में जो घर बनता है आपको भी पता है कैसा बनता है, तो बांस का बनता है। लद्दाख में जो घर बनेगा वो क्या बनेगा, समतल बनता है लद्दाख में, दो के हो गया, पत्थर लकड़ी से बने ढालू छत वाला बन गया मनाली में, और राजस्थान में आपका मिट्टी का घर हो गया, और शिकारा बोट तो आपका जम्मू कश्मीर यहाँ होता तो जम्मू कश्मीर हो जाता, शिकारा जिसे बोलते हैं। तो मिला लीजिए, मिल गया आपका कोई नंबर जो मिलेगा, असम हो गया आपका 3 नंबर, ए का 3 हो गया, लद्दाख हो गया जहाँ समतल होता है, देखिए वहाँ भी लकड़ी और पत्थर के घर बनते हैं लेकिन वहाँ पर समतल छत होते हैं प्लेन, और ढालू छत होते हैं आपके मनालिया हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं समझ गए। तो आंसर आपका मिला लीजिए, जो होगा आंसर हो जाएगा समझ गए। तो 64 का आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगला है हाथी के बारे में कि हाथी एक साथ झुंड समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहता है, तो देखिए आपको बता दें कि हाथी जो होता है क्या होता है कि आपका एक मिनट
झुंड में रहता है, सही बात है समझे। दूसरा आते हैं हम लोग, पहला तो हो गया आपका क्या इसको बोलते हैं, दूसरा कह रहा है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे होते हैं, तो ये भी सही बात है समझ गए। दूसरा कह रहा है हाथियों के झुंड में इतनी भी हाथी अपने बच्चों के साथ कितनी भी नहीं रह सकती है, 10 से 12 रहती है। हाथी 400 आयु तक झुंड में नहीं, 14 साल तक रहता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और बी सही हो जाएगा समझ गए। तो ए और बी देख लीजिए आपका 3 नंबर ऑप्शन में है समझ गए। अगला है देखिए इसका क्वेश्चन, ई जो क्वेश्चन है इसका हम एगो सेपरेट वीडियो बनाने में यहाँ बनाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसे वैसे ही बना सकते हैं। जैसे यहाँ 29 तारीख को चला 20:45 यानी PM हो जाएगा समझ गए, क्योंकि टाइम आपका PM वाला आपका ऐसा ही 19:20 कट के देता है, 12 के बाद आपका 13:14:15 देगा समझ गए। तो ऐसे बना सकते, बना के देखिए जैसे बताया बन जाएगा समझ गए। आगे क्वेश्चन है 67 नंबर कि निम्नलिखित राज्यों में किसके बगीचों से तेजपत्ता, छोटी इलायची, तो आपको पता है कि मसाला के लिए आपका केरला प्रसिद्ध है समझ गए। अगला का है निफेंथिस के बारे में पूछ रहा है, तो निफेंथिस के बारे में लिखा हुआ है आपका कि निफेंथिस के विषय में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। तो यह पौधे कीड़े मकर चूहों का एकदम सही बात है, यह पौधा हमारे देश में नहीं दिया, हमारे देश में तो पाया ही जाता है मेघालय में, खींचने के लिए आवाज़ नहीं निकलता है, गंध निकलता है, यह भी गलत हो गया। इसका आकार घर जैसा होता है, इसका मुँह पट्टी से ढका था, कोई कीड़े इसका मुँह बाहर नहीं निकल, यानी आपका ए और डी सही हो जाएगा, इसका ए और डी यानी 2 नंबर ऑप्शन समझ गए। अगला है डांडी यात्रा, देखिए 1932-33 में हुआ था, लेकिन 32 ऑप्शन में दिया हुआ, यहाँ 30 हो जाएगा, इसे आंसर 2 नंबर होगा, उसी के आसपास वही ऑप्शन है आंसर, लेकिन 1930 में था डांडी यात्रा शुरू, यानी आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़ आंवला, देखिए ये सब आयरन का स्रोत है और एनीमिया में क्या रहता है, आयरन की कमी हो जाती है समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 2 नंबर हो जाएगा समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, यह हमारे देखिए हमारे देश का हिस्सा नहीं है, ये नेपाल का हिस्सा है, तो ये तो ये गलत हो गया। दूसरा है इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, तो देखिए इस हथी के ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए आप एक चीज़ देखिएगा, देखिए 4 जो बी ऑप्शन है 4 में है, तो इसका मतलब कि सही ही होगा, इसको मानना होगा, कंसिडर सही करना होगा। तो पहला तो गलत है, तो पहला गलत है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहला ही कट गया। वैचंद्री बाई इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने भारत की प्रथम महिला थे, ये भी सही है आपका समझ गए। उसके बाद है कि इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम, देखिए सर्वप्रथम नहीं पहला ही गई थी, तो ये भी गलत है, यानी आपका बी और सी सही हो जाएगा, यानी 2 नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समझ गए। 94 से पहले भी झंडा फहरा था समझ गए, आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि भारत का भी तो पुरुष गया था, इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। ये भी आपका जो क्वेश्चन है समझ गए, इस क्वेश्चन का हम वीडियो बना देंगे समझ गए कल। अगला क्वेश्चन है आप अपना से बना भी सकते हैं समझे, जैसे बताया था उसे बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, रेगिस्तानी ओक के बारे में जो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इस पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, इसकी जड़ें उथली होती है, यह अपने में जल संग्रहित करता है, यह 4 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। देखिए कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए इसका जो कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए आपको पता है कि यह तो अपने तना में जल संग्रहित करता है, इसकी पत्ती की जगह कांटे, इसमें पत्ती नहीं में कांटे होते हैं, ये भी सही है, इसकी जड़ उथली होती है और यह 4 मीटर देखिए ऊंचा नहीं होता है, ये आपका क्या होता है कि हमारे कक्षा के अति से यानी 4 से 5 मीटर के अति में होता है, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा, ये सही नहीं है समझ। 74 का रहा है कुडुक कहाँ के लोग की भाषा है, तो आपको बताया अभी झारखंड का है समझे, वहाँ तोरंग का अर्थ जंगल होता है समझ गए, तो याद रख सकते हैं। गुजरात के निकटवर्ती राज्य क्या था, अब देखिए गुजरात का आप मैप निकालिएगा, इसका हम बता दिए थे मैप वाला में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए गुजरात के जो बगल में है ना, तो कौन कौन है आपका, तो देखिए गुजरात के बगल में महाराष्ट्र हो गया, उसी के बगल में आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बगल में क्या है राजस्थान है समझ गए, तो गुजरात का 3 हुआ आपका हो गया समझ गए। आपका देखिए कर्नाटक तो होगा नहीं, फिर हरियाणा तो होगा नहीं, और छत्तीसगढ़ तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 तारीख अब आते हैं हम किस में, किस शिफ्ट में, तो 21 तारीख आपका हो गया, अब आते हैं हम कहाँ, तो 22 तारीख में समझ गए। पहला क्वेश्चन है कि ये भी आपको हम वीडियो बना देंगे समझ गए, क्योंकि ये भी आप बना सकते हैं समझे। न्यूनतम दूरी पूछ रहा था, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा, जैसे आप लोग अथी का निकाले होंगे समझ गए, तो वैसे आप बना सकते हैं इसका समझ गए। कैसे बनाना है देखिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, जैसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है इसका बना देते हैं, कह रहा है कि आपका घर एक्स पर स्थित है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, अपने विद्यालय पहुंचने के ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर का,
उत्तर दिशा में हम कहा गए 3 किलोमीटर गए, समझ गए। फिर कह रहा है कि पूर्व दिशा में हम 4 किलोमीटर गए, तो कह रहा है कि तो कहाँ पहुँच गए हम, पूर्व 4 किलोमीटर वाई पर आपके विद्यालय, तब एक से शुरू किए और पहुँच गए वाई, तब कह रहा है कि वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष, विद्यालय के सापेक्ष एक्स की न्यूनतम दूरी यानी सबसे न्यूनतम दूरी यही ना होगा आपका। तो आपको पता है कि आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण ये होता है ना, कर्ण के स्क्वायर बराबर रूट अंडर आपका किसका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और 16 यानी 25, रूट 25 हो जाएगा, और रूट 25 का निकालिएगा तो 5 हो जाएगा, समझ गए। लेकिन इसका दिशा जो होगा कौन होगा, तो आप देखिए इसका कैसे आएगा, पहले तो y के सापेक्ष बोल रहा है, किसके सापेक्ष बोल रहा है तो y के, तो पहले कहाँ आएगा आपका, तो ऐसे नीचे आएगा दक्षिण, फिर दक्षिण से कैसे ऐसे ना आएगा, मतलब एनए आएगा तब ना एनते आएगा, नहीं दक्षिण पश्चिम इसका क्या हो जाएगा आपका एंसर हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से आने के लिए दक्षिण पश्चिम उसको आना, यानी दक्षिण पश्चिम में ही जगह है, जो जगह है क्या है दक्षिण और पश्चिम में है, समझ गए। यहाँ से ऐसे कीजिए तो ऐसे ऐसे, तो दक्षिण पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, समझ गए, क्योंकि न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है 62 कि गोवा के लोग क्या खाते हैं, तो नारियल के तेल में बनी मछली, हांगकॉन्ग में पकाया हुआ सांप, केरल में करी के साथ उबला टोपियोकू, और उसके बाद आपका कश्मीर में खाया जाता है क्या, कश्मीर में यहाँ 5 नंबर आपका हो गया सरसों के तेल वाली मछली, और छोला भटूरा बच गया कहाँ खाया जाता है पंजाब में, समझ गए, याद रख सकते हैं इसको, आप याद रख सकते हैं, समझ गए। मिला लीजिए आंसर आपका मिल जाएगा, इसका आंसर देख लीजिएगा मिल जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में मिर्च आपको दक्षिण अमेरिका से आया है, पता है मिर्च प्याज और टमाटर, याद रखिएगा मिर्च प्याज टमाटर दक्षिण अमेरिका से, भिंडी और आपका भिंडी कहाँ से आया हुआ है, तो अफ्रीका से आया है, याद रखिए कहाँ से आया है अफ्रीका से, समझ गए। भिंडी कहाँ से आया है, और बंदा को भी जो आया है वो आपका कहाँ से आया है, यूरोप से आया है, समझ गए। बंदा को भी पूछा है कहाँ से आया है, तो यूरोप, मतलब फूल गोभी उसको बोलते हैं, कहाँ से, तो यूरोप से, समझ गए। टमाटर आलू और पूछा है क्या मिर्च, तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका से भिंडी, और यूरोप से आपका बंदा गोभी आया, फूल गोभी आया है, समझ गए। अगला है गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन है, अभी तो क्वेश्चन बताए हैं कौन कौन था, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक तो होगा नहीं, बिहार होगा नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक होगा नहीं, राजस्थान, महाराष्ट्र, और 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है उस पक्षी का नाम जिनके आँख मानव की तरह सामने की तरफ होती है, तो आपको पता है किसका आँख मानव की तरह आँख के सामने होता है, तो उल्लू का होता है, समझ गए। और ये तीनों जो है हमारा बाजगीत, ये हमसे 4 गुना अधिक देखता है, समझ गए। अगला है कि 3 पक्षियों का, देखिए सेम वही क्वेश्चन आ गया, बोले आ गया, तो बाज, चील और गिद्ध इसका आंसर हो जाएगा, जो 4 गुना हमसे अधिक देखता है, समझ गए। अगला है कि अंडमान में, देखिए अंडमान में जो सुनामी आया था वो 4 में आया था, 1 में गुजरात के भूख में भूकंप आया था, और 2003 में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी, 3 वो डेट याद रखिएगा। स्लॉथ के बारे में दिया हुआ है कौन सही है, तो 17 घंटा सोता है, इसमें 20 दिया है, जिस पर उसी पर दिखता है, ये भी बात सही है, स्लॉट की आयु 20 साल नहीं 40 साल होती है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस व्यक्ति, देखिए ये भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, समझे, इसका स्पेशल वीडियो हम कल डाल देंगे, समझ गए। घाना नेशनल पार्क पूछेगा तो कहाँ है आपका, तो आपका ये पक्षी के लिए राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में दुग्धवा हो गया, उत्तराखंड में आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क हो गया, और गुजरात में गिर वन हो गया। जो शेर के लिए है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, आपका बाघ के लिए हो गया, राजस्थान में हो गया आपका पक्षी के लिए ई बारहसिंगा, और बाघ के लिए है, समझ गए, दुग्धवा नेशनल पार्क। अगला है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले तो क्या करते हैं, कि बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर बनाते हैं, समझ गए, आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अगला है कि घटपर्णी शिकारी या पिंचर प्लांट कीटों को, भैया हमारे देश में कहाँ पाए जाते हैं, तो मेघालय में पाए जाते हैं, समझ गए, कहाँ, मेघालय में। अगला है 2 बच्चों की किनकल की विकृति, देखिए आपका नॉर्मल जो होता है वो आपका कितना होता है, 12 के समथिंग, 12 साढ़े 12 होता है, लेकिन इसमें एगो के 10.5 है, एगो के 8 है, तो दोनों का धैल है एनीमिया, समझ गए, 12.5 से कम होगा ना तो धोलेगा एनीमिया, यानी 12 से कम हो जाएगा तो एनीमिया पकड़ लेगा, एगो के 10 है, एगो के 8 है, यानी आरती और नमन दोनों के क्या है, एनीमिया से पीड़ित है, दोनों क्या है आपके रक्त अल्पता, या दोनों क्या है, एनीमिया से पीड़ित है, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
अगला कह रहा है कि अल्बरूनी एक यात्री जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है अल्बरूनी ने भारत का भ्रमण हजारों वर्ष पहले किया था, एकदम सही बात है। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थे, विशेषकर पानी को एकत्रित करने के लिए बनाया गया तालाब, एकदम सही है। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में सीख सकते हैं, यानी तीनों ऑप्शन सही है, समझ गए, ए बी सी तीनों सही है, समझ गए। अगला है कि नीचे दिए गए व्यक्ति में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका है तो आपको पता है कौन ना झांका था, रोनाल्डो, इसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल प्राइज भी मिला था, समझ गए। अब आते हैं हम लोग 23 तारीख के क्वेश्चन में, समझ गए। तो आपको पता है कि मटर के पौधा पर कौन प्रयोग किया था, तो ये आपके 28,000 मटर के पौधा पर ग्रेगन मेंडल, चार्ल्स डार्विन थे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे, जॉन मेस्टूट किसका किए थे, तो जो चिपकने वाला होता ना जो वेल्पो होता है उसका, एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति क्या है जनक है। विदेश में पूछेगा तो कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है, समझ गए, मतलब पूरा पूछे हरित क्रांति के जनक सुबह तो नॉर्मन बोरलॉग, समझे, नॉर्मन बोरलॉग, समझे, और भारत में पूछे हरित क्रांति तो एम एस स्वामीनाथन है, समझिए। अगला क्वेश्चन है कि उस पर एक को चुनिए जो अंश से भिन्न है, तो झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना, तो आपको यहाँ पर पर्वत अलग हो जाए क्योंकि सब में पानी है और पर्वत पर पानी नहीं होता, इसलिए आंसर हो गया। कौन सी परिवहन अन्य चारों से भिन्न है, तो ट्रेन, बस, तंगा, साइकिल, तो आपका जहाज क्या है भिन्न यहाँ पर हो जाएगा, पानी में चलता है और सब जमीन पर। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक के जो लोग हैं वो किसका प्रयोग करते थे मिट्टी को, तो लोग खुट्टी का प्रयोग करते थे, समझ गए। आगे है कि करा है कि उल्लू जो होता है क्या होता है, जिसकी आँख सामने की होती है। उसके बाद है कि बाज जो होता है चार गुना हमसे अधिक देखता है। रेशम कीट अपने मादा को पहचान लेता है। स्लॉट कितना घंटा सोता है, तो 17 घंटा सोता है, समझ गए, तो मिला लीजिए कौन आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित हमारे देश में आने व्यापारी दक्षिण अमेरिका से क्या लाए थे, तो भिंडी, टमाटर और क्या बताए थे, आलू, तो भिंडी बोले टमाटर, मिर्चा और आलू, तो टमाटर हो गया। और पूछेगा मटर और बंदा गोभी कहाँ से आया, तो यूरोप से, मटर, बंदा गोभी और भिंडी आपका कहाँ से आया है, तो अफ्रीका से। और तीन वो कौन कौन है आपका, तो मिर्च, टमाटर और आलू, इतना याद रखिएगा, समझ गए। ये कहाँ से आया आपका, तो दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका, चलिए आगे आइए। देखिए ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बना लीजिए ना, तो वीडियो तो हम डालेंगे ही। अगला है मधुमक्खी के बारे में, करा है मधुमक्खी के बारे में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक छत्र में एक रानी मधुमक्खी थी जो अंडे देती, एकदम सही बात है। प्रत्येक छत्र में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती, ये भी सही बात है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए, देखिए नर मक्खी छत्ते के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो गया। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली होती है, ये भी सही है। नर मक्खियाँ शहद के लिए फूल का रस, नर सुतल रहता है और नर का काम नहीं, यानी सी और ई गलत है। और आपका सी देखिए जिसमें ऑप्शन को काटिए, ई दे दिया है, ए ऑप्शन आपका हो सकता है, इसमें सी ई दोनों दिया है, इसमें भी सी, आंसर क्या हो गया, ए बी डी सही, ए बी और डी सही है, समझ गए। अगला है हमारे देश में तीन राज्यों का समूह होता है, जो देखिए अब अरब सागर में आपको बताया था कौन था, तो आपका केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, तो केरल हो गया, कर्नाटक या महाराष्ट्र, यही आंसर हो जाएगा। आपका तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में है, तो कट गया, आंध्र प्रदेश भी बंगाल की खाड़ी में है और पश्चिम बंगाल भी बंगाल की खाड़ी में, इसलिए आंसर एक नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के किस एक केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की सारी ग्रामवासी की साझी होती है, साझी मतलब कॉमन है, किसी का नहीं है, तो मिजोरम में है, लॉटरी खेती यहीं पर होता है, समझ गए। अगला है झारखंड का मुख्य फसल क्या है, तो यहाँ चावल है मुख्य फसल, समझ गए। अगला है केचुआ को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित उचित, केचुआ क्यों माना जाता है, तो केचुआ जिस खेत में रहता है मिट्टी को एकदम पुली बना दे, एकदम सही बात है, केचुआ दम ये भी एकदम है, सही बात है। मुख्य फसल को खाता नहीं खरपतवार को, समझे, एकदम सही बात है, यानी ए बी डी सही, ए बी डी सी गलत है, समझे, सी आपका तीन गो ऑप्शन में सही दिया था, गलत हो गया। अगला है मधुबनी चित्रकला, बहुत पुरानी मधुबनी चित्रकला पता है कहाँ पर है, तो आपको बिहार में है, समझ गए। अगला है आपका कि नीचे दिए कथन पर विचार किए, देखिए महाराष्ट्र के लोग सहजन का फूल का मतलब पकौड़ा खाते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग नहीं, जम्मू कश्मीर के तो सरसों के अथी में खाते हैं मछली को, या केरल के लोग केले का, केसे केरल याद रखिएगा, केरल में केला के फूल की सब्जी, और उत्तर प्रदेश में कचनार की थी, यानी ए और सी सही है,
और बी क्या है गलत है, यानी ए और सी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला है एक उत्तराखंड का एक स्थान है जो अभरनाले बाग के लिए सुनते हैं, आपका कौन हो गया आपका, तो आपका कार्बेट नेशनल, जिम कार्बेट नेशनल पार्क होता है, दुग्धवा आपका यूपी में है, वाल्मीकि पार्क आप बोल सकते हैं आपका बिहार में भी वाल्मीकि नगर है, समझ गए वो। अगला है अब 24 तारीख में आते हैं, तो लिखा हुआ है 24 तारीख में कि पहला क्वेश्चन है कि वह जंतु जो कानों को अलग अलग दिशा में, देखिए आपको बाघ के बारे में पढ़ाए थे तो बताए थे वो कानों को क्या कर सकता है कि पूरा घुमा लेता है और बाघ ध्वनि को इकट्ठा करने के लिए, समझ गए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बाघ हो जाएगा, समझ गए। अगला उस क्रियाकलाप को चुनिए जो अन्न से भिन्न है, चाय बनाना, तैरना, कंघी मारना और आटा गूंदना, तो इसका तैरना क्या हो जाएगा आपका सबसे भिन्न हो जाएगा, समझ गए, इसका घर का ही घर से बाहर का है, समझ गए आंसर। करा उस क्रियाकलाप को चुनिए जो भिन्न है, चाय बनाना, तैरना, आटा गूंदना, देखिए यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका वो आपका, अच्छा एक मिनट रुकिए, तो इसमें जो आंसर है आपका देखिए, लेकिन देखिए एक चीज़ है इसका, देखिए चाय बनाने में पानी की ज़रूरत पड़ता है, आटा गूंदने में पानी लगता है, कंघी मारिए तैरने में पानी तो रहता ही, तो कंघी मारना इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए आपका ये 3 नंबर हो जाएगा, 62 क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। आगे आपका 63 नंबर क्वेश्चन है और पक्षी के बारे में पूछ रहा है, देखिए आपको बताए थे कि शक्करखोरा जो होता है वो डाल उल पर अपना बनाता है, इसे सनबर्ड भी कहते हैं, तो पहले मिलाइए, पहले कोयल का मिलाइए, कोयल जो होता है अपना घोंसला नहीं बनाता है, समझ गए, और डार्जिन पत्ते सी का बनाता है, सी कर तो आपका डी हो गया, आपका लटका हुआ घोंसला बनाता है, छोटे पेड़ पर लटका हुआ घोंसला रहता है किसका, तो शक्करखोरा का रहता है, और पत्थर के बीच में कलचरी अपना बनाता है, और इसका डी का ए हो जाएगा, समझ गए, यानी ए का डी देखिए किस ऑप्शन में है, ए का डी देखिए किस ऑप्शन में, 4 नंबर आपका दिया हुआ है, और उसके बाद बी का एक नंबर यानी कोयल का घोंसला नहीं होता है, यानी 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, समझ गए 4 नंबर इसका आंसर है, समझ गए। अगला है 3 खाद पदार्थ होते हैं जो प्रत्येक साथ लौह तत्व होता है, तो आपको पता है कि पालक में होता है, गुड़ में आंवला, यही आंसर हो जाएगा, टमाटर में नहीं होता है, बंदा गोभी नहीं होगा, प्याज नहीं होगा, आंसर आपका क्या नंबर 1 नंबर हो जाएगा, 64 का 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 65 नंबर है कि हमारे देश के राष्ट्र पांचवी पुस्तक पाठ का शीर्षक है, ये पढ़ना है हमको, उसी से ठंडा उसी से गर्म में इनके बारे में वर्णन किया गया है, इसका बना लीजिएगा, समझ गए। अगला है देखिए, कह रहा है कि ये बांस का घर होता है, इतना मिटाई जमीन से उठा होता है, बांस दे दिया तो क्या हो गया असम हो गया, समझ गए। अगला कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 4 राज्य है, समझ गए, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, केरल नहीं होता है तो अरब सागर में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा 2 नंबर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात तो आपका अरब सागर में है, फिर उसके बाद आपका हो गया आंध्र प्रदेश, असम में तो कोई नदी है ही नहीं, तो गलत हो जाएगा, इनसे आंसर 2 नंबर हो जाएगा 68 का। 69 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में ग्राम सभा पंचायत लाठी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन कर, लॉटरी होगा, इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट जिसे टिन कहते हैं का उपयोग किया जाता है, इस मात्रक टिन का अर्थ क्या होता है, टिन का अर्थ होता है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है तो उसे टिन कहते हैं, समझ गए, यानी एक टिन बीज बोएगा जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है उसकी अर्थ होता है, समझ गए। अगला है कि झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए, पहला है आपका 70 का कि यह फसल काटने के पश्चात जमीन ने कुछ वर्षों तक आराम कर दिया, तो हम सही बात है, मैंने फसल को छोड़ छोड़ के खेती करते हैं, खरपतवार आदि को खा रहे खेत में जलाते नहीं, गलत बात है, खरपतवार की राख खाद के रूप में का जो उसका खरपतवार रहेगा ना उसको छोड़ देंगे वहीं में गल जाता है और खाद के रूप में काम कर, जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले गहराई जोता नहीं जाता है, समझ गए, यानी आंसर ए और सी हो जाएगा। अगला है कि हमारे देश में आदिवासी हजारों पुर देखिए ब्रोज जो होता है ना, ब्रोज जो मिश्रण है आपका किसका है, तो तांबा और टिन का मिश्रण है, समझ गए, और तांबा और जिंक का मिश्रण आपका, सॉरी तांबा और ये आपका पित्तल होता है, समझ गए,
और ये सब तो है नहीं, आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका 4 नंबर हो जाएगा। अगला है आपका, ये हो गया आपका, इसको भी बना लीजिएगा ना, बता देंगे। अगला है कि कन्नौज शहर जो ना इत्र के लिए प्रसिद्ध है, इस यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम क्या है, मतलब उत्तर प्रदेश का ये जिला है, समझ गए, कन्नौज, समझ गए, कन्नौज में क्या होता है आपका, कन्नौज प्रसिद्ध है, लिखा भी है, समझ गए, तो आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला है, ये तो देख सकते हैं कितना वृद्धि है, परसेंट से निकाल के आप बता सकते हैं, समझ गए। अगला है कि भारत भारतीयों में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, होली हो गया, रक्षाबंधन और गुरु नानक, ये सब पूर्णिमा को मनाया जाता है। दिवाली आपका मनाया जाता है किसको, तो अमावस्या के दिन, दिवाली अमावस्या के दिन, और मकर संक्रांति भी अमावस्या के दिन मनाया जाता है, समझ गए। रक्षाबंधन होली हो गया, ये सब आपका पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगला है आप 27 तारीख का क्वेश्चन है कि राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। देखिए आपको विटामिन के बारे में पढ़ाए थे, तो देखने संबंधी कठिनाई, तो क्या चीज़ की जरूरत है, विटामिन ए की जरूरत है। विटामिन डी से आपका रिकेट्स हो जाता है, विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बनता। अगला है कि कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हिंगोल मिर्ग के लिए, तो आपको बताए थे जो दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर है वो हिंगोल मिर्ग के संरक्षण के लिए है, समझ गए। अगला है कि संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संबंधित पहल है, ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ था उसका चुन, देखिए ओजोन परत का संरक्षण के लिए मेट्रियल सम्मेलन हुआ था, समझ गए। ओजोन का सूत्र होता है O3 जो हमारे पृथ्वी सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैगनम किरण को सोख लेती है, जिससे इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं, समझ गए। इसका आंसर मेट्रियल हो जाएगा, यानी 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है वह पक्षी जो दिल्ली में समान रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा गरोइया, समझे, जो घर में हमको पाया जाता है। अगला है कि निम्न में किन स्थानों पर आप नाव का उपयोग कर सकते हैं, तो कश्मीर और केरल में, समझ गए। अगला है कि निम्न में कौन सा कीट भक्षी पौधा नहीं है, समझ गए, तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जो कीटभक्षी पौधा होता है वो आपका कौन होता है, नहीं होता है, तो सेंड्यूगा जो नहीं है वो क्या है, कीटभक्षी पौधा आपका नहीं होता है, समझ गए। यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर जो आपका 66 का वो आपका नहीं नहीं एजिटेरम होगा, नहीं होता है, समझे, एजिरेटम जो होता है ना ये आपका कीटभक्षी पौधा नहीं, सेंड्यू होता है, नेपथस होता है, डायरिया होता है, ये नहीं होता है, 3 नंबर। अगला है रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि बहुत मजबूत और चटक रंग का है, अधिक छिद्रयुक्त नहीं है, तो अधिक छिद्रयुक्त नहीं है तो क्या होगा कि आपका सूती कपड़ा नहीं होगा, जलने पर गंदता, आपको पता है पोलिस्टर जलने पर गंद देता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसका उपयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत से उपयोग हो रहा है, उच्च तापमान है, आप पोलिस्टर कपड़ा क्या है कि आप गर्मी में नहीं पहन सकते हैं, समझे ना, तो देह छील देगा, समझ गए, और ये जलने पर गंध देता है, आंसर पोलिस्टर, ये तो होगा नहीं, रसरी इसका बनाया जाता है, रेशम सूती तो होगा नहीं। अगला यदि भिन्न प्रजाति के, देखिए इसको हम बताते हैं, देखिए देखिए 3 चीज याद रखिएगा, परजीवी सहजीवी और अब सहभोजिता। देखिए परजीवी में होता है कि इसमें एक जीव को फायदा होता है और दूसरे जीव को घाटा होता है, सहजीवी में दोनों जीव को फायदा होता है और सहभोजिता में एक जीव को फायदा होता है, दूसरा जीव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको फायदा घाटा से कोई मतलब नहीं। तो कह रहे यदि यदि भिन्न प्रजाति में 2 जीव संपर्क में एक साथ रहते हैं तो इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है दूसरे जीव को नुकसान होता है, इसे परजीविता कहते हैं। सहजीविता में क्या होता है कि दोनों को साथ साथ फायदा होता है, और सहभोजिता में क्या होता है कि एक को फायदा होता है दूसरा पर उसको कोई फायदा मतलब फर्क वर्क नहीं पड़ता है, आंसर 1 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस नहीं होता। निम्न में कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने में मकान बनाने में, तो आपका बांस का प्रयोग करते हैं हम लोग, समझ गए। अगला है आपका निम्न में कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिन्ह को कम कर दे, कार्बन पदचिन्ह कार्बन की मात्रा शरीर में कैसे कम होगा, तो स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थ जिसमें हम खाद वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला है कर्क रेखा निम्न में भारत किससे गुजरती है, तो देखिए गुजरात से गुजरता है, महाराष्ट्र नहीं गुजरता, इसीलिए क्या हो गया, गलत हो गया।
गुजरात से गुजरेगा राजस्थान से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा, आपका यही आंसर हो जाएगा। आपका उड़ीसा से नहीं गुजरता है ना, आपका उड़ीसा से आंसर न बिहार से आंसर, दो नंबर हो जाएगा। अगला है, एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता है, तो इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों में बेचने का निर्णय लेता है। तो निर्णय लेता है तो इससे क्या होगा, वह सूचना प्राप्त निर्णय लेंगे शिक्षित नहीं है, उसमें विक्रय बेचने की कला का अभाव है। देखिए जल्दी ख़राब हो जा रहा है तो जल्दी बेचेगा नहीं, तो गेहूँ मिलने वाला है वो ख़त्म हो सकता है, यह उसका दाम निकल जाएगा। तो शीघ्र ख़राब होने वाला सामान होने के कारण वो संकटग्रस्त व्यक्ति बिक्री कर देगा, समझ गए। अगला है कि निम्न में से किन पक्षियों के चोंच छानने के लिए, तो पानी में जो रहेगा वही ना, तो ये जो हंसावर होता है ये क्या कहता है, छानने का काम करता है। अगला, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़े में लार्वा उत्पन्न नहीं करता है, तो आपका जो 75 है इसका आंसर आपका सुड्डी और इल्ली क्या करता है, लार्वा उत्पन्न नहीं करता है। अब आते हैं हम लोग 28 तारीख में, बना लीजिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, तो आपको पता है झटका से आगे पीछे मैना करता है, और अपनी गर्दन को पूरा घुमा लेता है तो वो उल्लू होता है, समझ गया। अगला, ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं को होता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। फिर है कि हमारे देश ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको आसाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बांस का बोला है घर, बांस जहाँ बोले तो आसाम, यानी 4 नंबर हो जाएगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। अगला है आपका कि 3 विभिन्न स्थान जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अधिक भिन्न है, वे मकान के विवरण में बताया गया। तो लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिले बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर आवश्यकता सामान रखते हैं और छत सपाट होते, एकदम सही बात है। मनाली हिमाचल प्रदेश में बांस के नहीं बनाया जाता, इसलिए क्या हो गया, सॉरी क्या लिखा है कि मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभा पर आसाम में बनाया जाता है, गलत है क्या। राजस्थान में मिट्टी के, यानी आपका आंसर क्या हो गया, ए और सी हो जाएगा, समझ गया, बी आपका गलत है। अगला है कि नीचे दिए गए तो घर में जीव पर विचार कीजिए, समझ गया। तो कह रहा है कि घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो कछुआ आपका मछली, घड़ियाल पानी में रह सकता है, कौवा पानी में नहीं रह सकता, यानी 68 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 68 का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा आपका, तो आपका 3 नंबर हो जाएगा, कौवा पानी में नहीं रह सकता है। अगला है हाथियों के बारे में, तो हाथियों के बारे में एक झुंड में नहीं, हाथनी इतना नहीं होता है, गलत हो गया। हाथी आयुत नहीं, ये भी गलत है, ये भी सही है, ये भी सही, यानी सी और डी इसका आंसर हो जाएगा, 69 का सी और डी। 70 है कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आराम करने की सर्वेष्ठ अवधि कौन है, सर्वेष्ठ का कौन है, अक्टूबर से दिसंबर है, ये बना लीजिएगा, समझ गया। अगला है कि ये भी हम आपका मैप वाला बना दिए, आप वीडियो देख लीजिएगा। अगला है कि अब ये जानते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गुराई करते हैं, गुराई मतलब मिट्टी को क्या करते हैं, नरम बनाते हैं, फिर प्याज को क्या करते हैं, बीज को बोते हैं, यानी डी हो गया, ए हो जाएगा, डी के बाद ए देखिए किस में है, ये ऑप्शन कट गया, डी ए, उसके बाद क्या खरपतवार निकालते हैं, डी ए बी, डी ए बी गलत हो गया, आंसर सी नंबर, 4 नंबर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक या सहबाबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है, जड़ों की अत्यधिक गहराई तक जाना, एकदम सही बात है, तने में भी सही है, पत्ती कम होना, बड़ी सारी बहुत से नहीं होगा, नहीं, आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा, किसका, तो 74 का क्या हो जाएगा आपका, तो 4 नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि तमिलनाडु के निकट कौन है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, केरल हो जाएगा और कर्नाटक हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला, अब आते हैं हम लोग 29 तारीख में, किसमें क्वेश्चन में आते हैं, तो 29 तारीख में, समझ गए, अब आते हैं हम लोग 29 तारीख में, समझ गए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूरजमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, इसमें उसने एक केंद्र तोरंग का अर्थ वहाँ होता है जंगल, याद रखिएगा, तोरंग की स्थापना की थी जो कि देखता था, तो ये क्या है, तोरंग को देखता था क्या, जमीन की, जमीन और उसकी जीविका की समस्या है, जंगल से तो जमीन हो गया, भूख की समस्या नहीं है, वनों की समस्या नहीं है इससे, समझे, जमीन की जीविका की समस्या। चौथा करा है कुरुक संस्कृति की समस्या, यानी आपका ए और डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समझ गए। अगला है कि निम्नलिखित में किसके सहयोग भावना कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है, निकला है कि निम्नलिखित में किससे सहयोग भावना से कार्य करने, तो आपको पता है किससे आप सीख सकते हैं,
तो परिवार समाज खेल से सीख सकते हैं, प्रतियोगिता से नहीं सीख सकते हैं। आई सबसे बेस्ट ऑप्शन तो 3 नंबर है दोनों, ए बी से। अगला, निम्न में कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? तो आपको पता है कि मकड़ी जो होता है, क्या होता है मकड़ी, तो ऑप्शन है मधुमक्खी रहता है, दीमक भी रहता है, चींटी, तो भृंग आपका क्या हो जाएगा, अकेले रहता है, सामाजिक कीट आपका नहीं है। मकड़ी भी होता है, इसको भी बना लीजिएगा, वलसाद सर वाला इसका मैप में वीडियो बना दिया। अगला, निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? तो अबू धाबी में जो मुद्रा प्रसिद्ध है उसे दिरहम कहते हैं, दिरहम, समझ गए। डॉलर तो आपका चलता है अमेरिका में, रुपया हम लोग यहाँ बांग्लादेश में टाका चलता है। केराव नाच तो आपको पता ही है कहाँ होता है, तो मिजोरम में होता है। अगला, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण के लिए, तो कहाँ, राजस्थान में। अगला, भारत के निम्नलिखित राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश और असम से, समझ गए, क्योंकि चाइना के बॉर्डर चाइना से होते हुए अरुणाचल असम में बहती है, समझ गए। अगला, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार, परिवार तो ये तो CDP का क्वेश्चन है, प्राथमिक समाजीकरण है। अगला, वातावरण से बचाने के लिए 70 के दशक में चिपको आंदोलन, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, समझ गया। तो 70 के आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 नंबर। अगला, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्ति ने अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना, इस प्रकार की गतिविधियों क्या कहते हैं, तो इसे विस्थापन छोड़ के हुए चले गए, समझ गए। यहाँ हो जाएगा आपका विस्थापन, यानी जगह छोड़ के चले गए, समझ गए। और यहीं पर कहता गया कि बाढ़ के कारण हुआ तब स्थानांतरण हो जाता है, समझ गए, क्योंकि फिर वो स्थान पर आ जाते हैं, लेकिन विस्थापन में क्या होता है, वो जगह ही छोड़ के आप डिस्प्लेसमेंट हो गए उस जगह से। अगला है, क्योंकि दोनों में हस्तांतरण में ट्रांसफर होता है, जैसे कोई अधिकारी एक जगह से ट्रांसफर होता है फिर उस जगह पर आ जाता है कि नहीं आ जाता है, तो ट्रांसफर हो गया, समझ, जैसे बाढ़ से तो बाढ़ खत्म होगा फिर आप चले आइएगा, लेकिन विस्थापन में आप फिर उस जगह पर नहीं आइएगा, आप क्योंकि बांध बंद गया तो उस जगह पर आप कथी करने आइएगा, तो उसे हम लोग विस्थापन कहेंगे, समझ गए। हम पके हुए भोजन को खुला है फ्रिज में लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या बन जाता है, तो आपका जीवाणु आ जाता है, समझ गए। यानी 72 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर हो जाएगा। अगला है कि वातावरण तो हो गया, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर हमें पैक तिथि दी जाती है, मतलब तिथि से हमको क्या चीज़ का पता चलता है। पहला ऑप्शन है कि प्रत्येक भोज पदार्थ के अपनी सेफ या मतलब उसका एज होता है कितना दिन में ख़राब हो जाएगा। भोज पदार्थ के प्रकरण पैकिंग की अवधि में कई परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो उसका भी डेट लिखा रहता है। कुछ निश्चित समय का पदार्थ में, ये भी सही बात है, और उपयोग नहीं किया जाएगा जिससे लिखा समाप्त हो जाएगा, ये भी सही, यानी ABCD सब सही है, समझ गए। आपका 73 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। अगला है आपका कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की गई है, निम्नलिखित में विधि भी आता है जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है, समझ गए। तो पहला ऑप्शन है कूलर के पानी को सप्ताह में, बात सही है, तालाब और पानी इकट्ठा होने वाला स्थान मछली डाले जो कि मछलों के, ये भी सही बात है, आता है गरई मछली खा जाता है, मच्छरदानी का प्रयोग करें, समझे। और चौथा, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाता है तेल का छिड़काव करें। अच्छा, वो चीज़ बताइए, कह रहा है मच्छरों के प्रजनन, तो ये प्रजनन नहीं रोकेगा, मच्छरदानी से आपको मच्छर नहीं काटेगा, तो 3 नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। मच्छरदानी लगाएगा तो मच्छर के लार्वा ना मरेगा, उसका प्रजनन नहीं, तब मच्छर आपको नहीं काटेगा। अगला है कि दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं कि वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक और थोड़ी सी चीनी मिला ले पिए, क्यों कहते हैं ऐसा पीने के लिए। तो पहला ऑप्शन है कि केवल चीनी वाली पानी आंत को नहीं, एकदम सही बात है, नमक मिला दीजिएगा जल्दी सोख लेगा, चीनी में पानी वाला सरलता सोखा जाता है, एकदम सही बात है, उबालने पानी जो है सही है, नहीं ABC तीनों सही है, समझ गए। अब आते हैं 30 दिसंबर के क्वेश्चन में, कह रहा है कि EVS के एक अध्यापिका अध्यापिका की कक्षा में अबू धाबी का एक छात्र है, अध्यापिका एक ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 AM मतलब IST यानी 10 इंडिया का है, तो अबू धाबी वाले विद्यार्थी का उसका ऑनलाइन क्लास कितने बजे होगा। देखिए तो आपका 1.5 घंटा क्या होता है पीछे होता है, समझे, तो यहाँ 10 बज रहा है वहाँ कितना होगा 8:30 होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 8:30 देना चाहिए, समझ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8:30 का 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 61 कितना नंबर हो जाएगा आपका, तो 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 8:30 में उसको 8:30 यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि 1.5 घंटा पीछे है, समझ गए। जैसे हम लोग का इंडिया का जो टाइम है ग्रीनविच से यानी लंदन के टाइम से क्या है 5:30 घंटा आगे है, वैसे ही इंडिया का टाइम जो है से उसका 1.5 घंटा क्या है पीछे है, यानी 8:30 होना चाहिए यहाँ, समझ गए। लेकिन 7 ऐसे दिया हुआ है,
समझे, ऐसे भी ऑप्शन वही होता है क्योंकि अब यहाँ 2.5 घंटा लेंगे तो ऑप्शन तो 2.5 घंटा वाला कोई है नहीं, यही है, ऐसे आप कर सकते। अगला है, भारत में उपयोग बनाने के निम्नलिखित किस प्रकार तेल का कम उपयोग किया जाता है। देखिए जो पाम होता है ना, यानी जो आपका जो नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, ताड़ का ताड़ का पेड़ होता है, तो उसके तेल का कम यूज किया जाता है। अगला है कि मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे के चुनने के लिए कहा, तो कौन सा? देखिए तो आपको पता होना चाहिए कि आप पुदीना नहीं लगा सकते हैं अथी में, समझ गए, पुदीना नहीं लगा सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं, लेकिन पुटुनिया जो होता है वो भी नहीं घर में लगा सकते। लगा सकते हैं एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन आप लगा सकते हैं, छोटा छोटा होता है, बी नंबर हो जाएगा इसका। गाँव में भूसी कैसे अलग किया जाता है, आप लोग देखे होंगे, फटकना कहते नहीं देखते, ढगरा से फटकता है। थ्रेसिंग तो अनाज को अलग किया जाता है अथी से, हाथ से चुनना हो गया, छानना तो फिल्ट्रेशन हो गया, चाय छानते हैं, तो इसके आंसर 3 नंबर हो गया। अगला है जीवों के संबंध, जो कि एक जीव को साक्षर लाभ होता है, दूसरे जीव को हानि होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, परजीविता कहते हैं, समझ गए। अगला है कि विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या होते हैं, तो एक ही क्षेत्र में उगेंगे, समझ गए, क्या होंगे, विशेष क्षेत्र में उगने वाले क्या होंगे, कि वो एक ही क्षेत्र में उगते हैं, समझ गए। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम, वनोन्मूलन नहीं रहेगा, वन नहीं रहेगा तो वनमंडलीय तापमान बढ़ जाएगा, वायुमंडल में CO2 ये भी बढ़ जाएगा, ये नहीं होगा, सी गलत है। बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के होने के समय भी सही है, नहीं, सी करके आपका ए बी डी सही है, ए बी सी इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें तो ऑप्शन क्या हो गया, 3 नंबर। अगला है ठंड और गर्म रेगिस्तान को समझने में निम्नलिखित में कौन सा कथन है। देखा है गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंड रेगिस्तान में कम तापमान होता है, तो ये ऑप्शन क्या लग रहा है आपका, तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है और ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से, ये भी सही आता है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी रंग का होता है जबकि ठंडा रेगिस्तान स्लेटी होता है। और चौथा गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु में उतार चढ़ाव का महत्वपूर्ण, देखिए इसमें ऋतु का चढ़ाव उठाव नहीं होता है, ए बी सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ गए। 68 का क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, समझ गए। 69 नंबर है कि वन जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है, तो आपको बताए थे वो कौन है, आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, समझ गए। कन्हा राष्ट्रीय उपवन आपका MP में है, मध्य प्रदेश में, काजीरंगा आपका आसाम में है, समझ गए, ये सब याद रख सकते हैं। अगला है कि नीचे दिए गए पदों के बीच के अनुकरण का सही क्रम, तो बीच का अनुकरण कैसे होगा, समझ गए। तो पहला ऑप्शन है आपका कि पहले क्या करेंगे, बीज एक क्षेत्र से पानी को सोखता है और बीजावरण को नरम कर देता है और उससे वो क्या होता है, फूट जाता है, यानी बी नंबर पहले हो जाएगा। उसके बाद ई नंबर के बीच से एक छोटी सी जड़ निकलती है जो नीचे की ओर बढ़ती है, तो बी के बाद क्या हो गया, ई हो गया, बी के बाद ई कोई ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद डी दे हो जाएगा, बीज निकलता है, ई के बाद आपका सी हो जाएगा, अंकुरण ऊपर की तरफ बढ़ता है और ए लास्ट में क्या होगा कि पत्ती आने के बाद उसमें पौधे अपने स्वयं बना लेते हैं, भोजन बनाने लगते हैं, तो ए नंबर तो सबसे लास्ट में होता है, इसीलिए 3 नंबर हो जाएगा। अगला है कि बाजरे के बीज को खेत से प्लेट तक की सही यात्रा बताइए, यानी बाजरे के बीज को कैसे आप कीजिएगा, समझ गए। तो पहला आप इसको क्या कीजिएगा, फसल काटिएगा, उसके बाद थ्रेसिंग कीजिएगा, फटकिएगा, पीसिएगा, मुथिएगा, बेलिएगा, तब से किएगा, फिर आपके प्लेट में, बाजरे यानी गेहूँ के बारे में कर रहा है, तो फसल काटने के बाद थ्रेसिंग गुठिएगा ना, उसका फटकिए तो गलती हो गया, फसल काटिएगा फटकना, फसल का फटकिएगा नहीं थ्रेसिंग होता है, फसल करना फ्रेश पीसना भी कैसे कर दिए, आंसर 3 नंबर होगा, समझ गए। अगला है लाल आंकड़े पुस्तक, जो रेल डाटा बुक होता है, लुप्त प्राय पौधे और जानवरों क्या करता है, बताता है, समझ गए। अगला है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग जो है आपका कहाँ पर है, तो ये आपके उत्तरकाशी में है, समझ गए, कहाँ पे, उत्तरकाशी में ही है। अगला है 74 पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी एक दिशा में समुद्र तट है, समझ गए, समुद्र तट किसमें है, तो देखिए राज्य पूछ रहा है, अब देखिए गुजरात भी समुद्र के तट में है, पहले ही देखिए कौन कौन में नहीं, अच्छा बताइए झारखंड में नहीं थी तो कट ही गया, समझ गए। यहाँ भी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा दे दिया है, तो उड़ीसा में तो है, गुजरात,
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में नहीं थी, कट गया, दो का ऑप्शन तो कट गया। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, आपका राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ राज्य पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन कट गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, दो नंबर, आपका गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर सब में समुद्र है, समझ गए। तो आंसर दो नंबर हो जाएगा। अगला है कि फसल कटने का पर्व खुशी और उल्लास का पर्व, सही कथन को चुकी, तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, एकदम सही बात है, तिल संक्रांति हम लोग मनाते हैं। दूसरा कह रहा है कि झारखंड में पोगल, पोगल आपका कहाँ मनाया जाता है, तो आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। तीसरा, गुजरात में लोहड़ी नहीं, लोहड़ी मनाया जाता है पंजाब में, समझ गए। केरल में तो ओणम मनाया जाता है, तमिलनाडु में नहीं पोगल मनाया जाता, गलती है। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, और असम में बिहू, और पश्चिम बंगाल नवाबे, सही है आपका। आंसर क्या हो जाएगा, ए और डी सही है, आंसर देख लीजिए, ए डी आपका दो नंबर ऑप्शन में है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग 31 दिसंबर के क्वेश्चन में, साबुत मूंग चना को रात में भूने के लिए छोड़ दीजिएगा, तो उसमें जो तो क्या पहल का जो भाग निकलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, जड़ कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जड़ कहते हैं, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है कि मंड की उपस्थिति, देखिए मंड की उपस्थिति यानी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए हम लोग आयोडीन का घोल का उपयोग करते हैं, तो उसमें नीला और काला हो जाता है, समझ गए। और प्रोटीन में बैगनी हो जाएगा, प्रोटीन को जब कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा से जांच कीजिएगा, था समझ गए। बेरी बेरी हो जाता है विटामिन बी1 की कमी से, बेरी बेरी जो हो जाएगा किसकी, तो विटामिन बी1 की कमी से। पटसन या रेशा जो प्राप्त किया जाता है, तना से प्राप्त किया जाता है, जड़ नहीं है, तो आपका आलू क्या है, तना होता है, बाद बाकी सब जड़ का उदाहरण है, समझ गए। अगला, निम्नलिखित में कौन सा परजीवी की पौधा है, तो परजीवी आपका अमरबेल होता है, पशुओं द्वारा विस्थापित होता है, तो क्या होता है आपका 67 का जो हो जाएगा आपका, तो वो आपका आख जो होता है आपका, समझे, 67 का जो होगा आम, इसका दिया हुआ कि विस्थापित किसका हो सकता है, समझे, तो यहाँ पर आम का हो जाएगा, जो विस्थापित हो जाता है खा के पचा सकता है, समझ गए। अगला, निम्नलिखित में से किसको बीजपत्र कहते हैं, तो बीजपत्ती को क्या कहते हैं, बीजपत्र कहते हैं, समझ गए। अगला है कि निम्नलिखित में नाइट्रोजन तो आपको पता है कि ग्रंथि नहीं पाई जाती है, तो तुलसी में नहीं पाया जाएगा, और दलहनी पौधा के जड़ में पाया जाता है। अगला, छोटी सिरा को क्या कहते हैं, करा है कि सिरा, इसको सिरा विन्यास कहा जाता है, पर्णविंद डंठल होता है, समझे। अगला, निम्नलिखित कौन जीवाश्म नहीं है, तो आपका लकड़ी क्या होता है, जीवाश्म नहीं होता है। उसके बाद, निम्नलिखित में ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन है, तो आपका जीवाश्म ईंधन परंपरागत स्रोत है। पौधे के ऊपरी भाग वाष्प क्षति होता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसको वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, समझ गए। अगला है कि औषधि पौधा है, समझे, तो ये स्थानिक पौधा है, क्योंकि उसी क्षेत्र में ही पाया जाता है, इसीलिए स्थानिक। और क्या है कि हमारे देश पृथ्वी से छोटा ग्रह, सबसे छोटा तो आपका कौन है, बुध है, तो आपका रहने देते हैं अब, समझे। और 1 जनवरी से दिसंबर हो गया, और 1 जनवरी से आपका कल पार्ट 2 बना देंगे, समझ गए। तो थैंक यू, लंबा वीडियो हो जाएगा, थैंक यू।